छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिल्ली दौरे से वापस लौट आए। गुरुवार की रात उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम साय ने दिल्ली प्रवास के बारे में बताया। सीएम साय ने दिल्ली दौरे को लेकर बताया कि बीते दो दिन में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्पीकर ओम बिड़ला समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ को रेलवे की चार बड़ी योजनाओं की स्वीकृति मिलने वाली है और दो दिन में कई माननीय मंत्रियों से मुलाकात किए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात किए, आज माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात किए, स्पीकर साहब से भी मुलाकात किए और छत्तीसगढ़ के संबंध में चर्चा किए रेल मंत्री जी से और आदरणीय नितिन गडकरी जी से। और अभी रेलवे के क्षेत्र में चार परियोजनाओं पर हम लोग को स्वीकृति मिलेगी, करीब 800-900 किलोमीटर नई रेल की लाइन छत्तीसगढ़ में बनेगी, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ का रेलवे से कवर होगा। और उसी तरह से एनएच नेशनल हाईवे के क्षेत्र में भी कई हमारे पुराने जो एनएच हैं, जो टू लेन है उसको फोर लेन करना है और फ्लाईओवर सबकी भी स्वीकृति मिलने वाली है। कुल मिलाकर ये दो दिवसीय प्रवास हम लोगों का बहुत अच्छा रहा।